को इंडिया पाकिस्तान खेले नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, एक ही गल हुई। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ठीक है। हम कहेंगे अगर मैच होगा तो विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं चाहता हूँ वो आए। इंडिया वालों को यार एक दफा पाकिस्तान आओ तो सही, आप एक दफा पाकिस्तान आ गए ना, आपको इतना प्यार मिलना है, इतनी मोहब्बत मिलनी है, इतना जज्बा लोगों का आपको देखने के लिए, इतना जज्बा भरा हुआ है, आपने वो देख के कहना यार हमने इधर ही रहना है, हमने वापस जाना ही नहीं है। जितनी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं सब कहते हैं कि यार क्या जबरदस्त किस्म का आप लोगों ने इस्तकबाल किया है, इधर प्रेसिडेंट लेवल की आप लोग हमें सिक्योरिटी देते हो, तो सोचो इंडिया को कैसे सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पे तो सारे खड़े हो जाएंगे इंडिया के आगे। इंडिया का आना जरूरी नहीं है, विराट कोहली का आना जरूरी है, रोहित शर्मा का आना जरूरी है। यार मैं तो कहता हूँ विराट कोहली रिटायर होने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आखिरी सेंचुरी इधर आके मारे यार, तेंडुलकर वाला जो रिकॉर्ड तोड़ना पाकिस्तान में आके तोड़े, मजा फिरा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यार 2025 की चैंपियन ट्रॉफी कैसी तैयारी है आपकी? तैयारियां बहुत अच्छी जा रही है हमारी और इंडिया आ रही है, हमें बहुत मजा आएगा खेले में, मतलब इंडिया के साथ खेलने का मजा आएगा। असर आपकी? हम चाह रहे हैं कि विराट कोहली पाकिस्तान में आए और मतलब इधर आके परफॉर्म करे तो बहुत ही मजा आएगा। वो आपको इंडिया पाकिस्तान खेले नहीं आ रहा, बीसीसीआई ने न्यूज़ दी? नहीं आ रहा, एक ही गल हुई, ये क्या बात हुई? नहीं आ रहा, आपको नहीं पता था? नहीं सर, मैं नहीं पता था, कैंसिल कर दो, ये एक बार क्या बात है? इसे कब कैंसिल? सर इंडिया से बड़ी न्यूज आ रही है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, वो पाकिस्तान में हेल्ड नहीं होगी, आप क्या इस पर राय रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आए? यार मैं काफी दुखी हूँ, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि यार इंडियन प्लेयर यहाँ पे पाकिस्तान में आए और हम उनको अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखें और हमें भी ये जर्फ हासिल हो कि यार हम विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, लेकिन अब ये मौका उन्होंने हमसे छीन लिया। हम तो यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा यार इंडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि यार वो पाकिस्तान ज़रूर आए। यार इस पे यही कहेंगे, अब चैंपियन ट्रॉफी का बिना मज़ा किरकिरा होने जा रहा है यार, हम बड़ी देर से उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, जैसे इंडिया वालों ने हमारा इस्तकबाल किया था, हम सोच समेत उनको वापस करेंगे, उनका ये प्यार, उनका ये लव, उनकी ये ग्रेस उनको वापस करेंगे, लेकिन देखें यार बड़ा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे लिए भी, अब इंडिया नहीं आ रही तो यार और कोई भी टीम पाकिस्तान में आ जाए, हाइब्रिड मॉडल चाहे रख ले, कोई भी आ जाए पाकिस्तानी शायकीन के लिए कोई अहमियत नहीं आएगा, इंडिया का आना जरूरी है, फिर मजा आएगा। इंडिया का आना जरूरी है, इंडिया का आना जरूरी नहीं है, विराट कोहली का आना जरूरी है, रोहित शर्मा का आना जरूरी है। यार मैं तो कहता हूँ विराट कोहली रिटायर होने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आखिरी सेंचुरी इधर आके मारे यार, तेंडुलकर वाला जो रिकॉर्ड तोड़ना पाकिस्तान में आके तोड़े, मजा फिरा यार, उनकी सेंचुरी देखें, विराट कोहली को वैसे ही देख के ना एक आंखें तरसी हुई उनको वैसे ही देख। हम ये चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पे आए, उसकी रीजन ये है कि हम सब कोहली के बहुत बड़े फैन है, हम रोहित के फैन है, हम इंडियन टीम के फैन है। जैसे वहाँ पे बाबर गए, बाबर को जैसे वहाँ पे जाके चीयर किया गया, जिस तरह बाबर को वहाँ पे जाके मजे दिलवाए गए और जिस तरह की इंडिया ने खिदमत की उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और यही हम चाहते हैं कि हम भी यही सारा कुछ करें। जब इंडिया यहाँ पे आए, हम पूरे ग्राउंड के अंदर इंडिया की शर्टें पहन के जाएं और पाकिस्तान के अंदर इंडिया के सपोर्टर बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे शर्टें पहन के जाएं ताकि इंडिया को पता लगे और इंडिया इंडिया के नारे लगाएं, इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाएं। जो इंडियन बंदे ने पाकिस्तानी को रोका था ना पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहना, उसका मुंह तोड़ जवाब दें हम। मतलब कि आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंडिया के नारे लगाएंगे? यार क्यों नहीं, हम कहेंगे ना इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ठीक है। हम कहेंगे अगर मैच होगा तो, क्योंकि हम तो टीम को कह रहे हैं ना हम अपना ये फैसला बदले। सिक्योरिटी इश्यूज की वो बात कर रहे हैं, किस तरह सिक्योरिटी उनके देंगे? यार सिक्योरिटी हम खुद हाजिर हैं यार, हम सड़कों पे निकल आएंगे, जहाँ जहाँ वो जाएंगे हम साथ हैं, हम अपने हाथ बिछाएंगे आगे उनके आने के लिए, हम खुद उनको सिक्योरिटी देंगे। अगर इंडियन टीम आ जाती है पाकिस्तान तो ग्राउंड में जितने भी फूल होंगे ना गुलाबों के सारे तोड़ेंगे और सड़क पे बिछा देंगे, उनका इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से हम करेंगे। एक दफा आए तो सही। बाबर आजम के इतने फैन नहीं होंगे जितने विराट कोहली के फैन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब देखें सचिन तेंदुलकर को सारे मानते हैं, जैसे इंडिया में हमारे प्लेयर्स की इज्जत है, वो उससे दुगनी तिगनी पाकिस्तान में उनके प्लेयर्स की इज्जत है। विराट कोहली को बच्चा बच्चा आप स्ट्रीट चिल्ड्रन उठा के देख लें, जो क्रिकेट खेल रहा होगा उसने रोल मॉडल विराट कोहली का बनाया होगा। हालांकि बाबर आजम चल रहा है लेकिन नहीं, विराट कोहली की वजह से, विराट कोहली की वजह से बड़े लोगों ने क्रिकेट दोबारा देखनी शुरू कर दिया, रोहित शर्मा की वजह से देखनी शुरू कर दिया, उनकी बैटिंग देख रहे हैं। यार हमारे जो यंगस्टर क्लब्स में खेल रहे हैं वो, अब उनसे मैं पर्सनली बात करूं, उनसे वैसे भी पूछूं तो वो कहती है हम अच्छी शॉट्स के लिए, अच्छी बैटिंग के लिए विराट और रोहित को देखते हैं। इंडिया वालों को यार एक दफा पाकिस्तान आओ तो सही, आप एक दफा पाकिस्तान आ गए ना, आपको इतना प्यार मिलना है, इतनी मोहब्बत मिलनी है, इतना जज्बा लोगों का आपको देखने के लिए, इतना जज्बा भरा हुआ है, आपने वो देख के कहना है यार हमने इधर ही रहना है, हमने वापस जाना ही नहीं है। मतलब कि पाकिस्तानी युवा इतना प्रोटोकॉल देगी उनको? बिल्कुल क्यों नहीं देगी यार, प्रोटोकॉल हर बंदा सड़कों पे आ जाएगा यार, जब ये खबर चलनी है ना कि उनका जहाज लैंड कर गया,
आप देख लीजिएगा होटल से लेके एयरपोर्ट तक लाइनें लगी होंगी, आवाम का इतना समंदर भरा होगा, भूल जाएंगे यार ये क्रिकेट में, क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना प्रोटोकॉल पहली दफा दुनिया है क्रिकेट सर, मुझे लगता है यहाँ पे टिकटें कम पड़ जाएंगी पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर, लोग स्टेडियम के बाहर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, टिकटें तो मैं तो कहता हूँ एक साल पहले ही बुक हो जानी है, इंडिया आने की बात तो करे एक साल पहले ना हो, या आप भी इधर मैं भी इधर, आप मेरे से लिखवा लें यार हम जा रहे हैं यार। रुको तो सही, देखो ना कोई एक मैसेज न्यूज़ चेक करो ना, हूं क्या ना यार मैं न्यूज़ चेक करता हूं, कहना यार शिट ओ शिट ओ फक यार अच्छा बात ही क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया यार, नहीं चाहते कि विराट कोहली आपके सामने खेले, रोहित शर्मा खेले? हाँ चाहते तो हैं, लेकिन ये न्यूज़ सुन के बड़ा दुख हुआ है यार, बहुत कैसे हो सकता है। लाइक देखे ना पाकिस्तान इंडिया में गया था, इंडियन कितना प्रोटोकॉल दिया था, तो हमने हम हमारे पास है, हम उन्हें इज्जत देंगे। देखे विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं चाहता हूँ वो आए, और मतलब उनकी यार मैं चाहता हूँ कि उनकी टीम आए इधर परफॉर्म करे, आगे पाकिस्तान और इंडिया का हम फाइनल देख सकें। और देखे ना जिंदगी की ख्वाहिश ही राजे ने विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखना है यहाँ पे, ऐसा ही है ऐसे ही बिल्कुल। वो अभी पता नहीं अभी ये कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं, वो रिटायरमेंट दे रहा है वनडे से, तो मैं चाहता हूँ कि वो इधर आए और परफॉर्म करे इधर आके। मेरी पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं पाकिस्तान, लेकिन वो चाहे ना आए, लेकिन इंडिया को ज़रूर आना चाहिए पाकिस्तान में खेलने, हम चाहते हैं कि उनकी मतलब के उनको पाकिस्तान में आके खेलता हुआ देख सकें। विराट कोहली की सेंचुरी देखना चाहते हैं पाकिस्तान? बहुत बहुत बहुत, मतलब के दिल से चाहते हैं विराट कोहली। यार मीडिया पे जो भी दिखाया जा रहा है मेरे ख्याल से इतना कुछ खास है नहीं है, पाकिस्तान बड़ा सिक्योर है, वो पहले ही पुरानी बातें थी जो सिक्योरिटी इश्यूज थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो लोग भी काफ़ी मोहब्बत करते हैं इंडिया वालों से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू होने वाला है। किसको बड़ा बैट्समैन मानते हैं, बाबर या विराट कोहली, एज अ स्पोर्ट्समैन बताना है? मैं बाबर आजम को। बाबर विराट कोहली, विराट कोहली है आपका दोस्त, विराट कोहली की तरह अनुष्का शर्मा को अगर बता, अगर बराबर प्रेशर को हैंडल कर जाए ना, मेरे हिसाब से वो विराट कोहली से ज्यादा अच्छा प्लेयर, एक्सपीरियंस के लिहाज से विराट कोहली लेजेंड है। बाबर आजम जो प्रेशर गेम करता है ना, हाँ ये तो है, प्रेशर में वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसने सचिन तेंदुलकर और बाकी बड़े बड़े लेजेंड के साथ खेला हुआ है, इससे उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जो हमारा बाबर है वो तो अभी नया नया है, लेकिन फिर भी वो लिविंग लेजेंड है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अब तो इंशाल्लाह ताला, मतलब कि हम चाहते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान जिंदाबाद यार, बिल्कुल पाकिस्तान जीत रहा है यार, हमारा हक है भाई, पाकिस्तानी है हम खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इवेंट्स हो, बड़े बड़े इवेंट्स हो भाई। 96 के बाद आपने कौन सा इवेंट देखा पाकिस्तान के अंदर, मुझे बताओ आप? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं ना, हमारी लाइफ गुजर गई है, हम तो चाहते हैं हमारे पाकिस्तान में सारा कुछ हो यार। कैसे आप लाइक कहते हैं ना स्वागत करेंगे इंडियन टीम का, जिस तरीके से बाबर आजम हमारी टीम का प्रोटोकॉल मिला था, उससे बड़ा प्रोटोकॉल मेरी जान, खाली पाकिस्तान और इंडिया का नहीं, हम हर टीम का ऐसा करेंगे कि सारे पागल हो जाएंगे, क्योंकि जितनी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं सब कहते हैं कि यार क्या जबरदस्त किस्म का आप लोगों ने इस्तकबाल किया है, इधर प्रेसिडेंट लेवल की आप लोग हमें सिक्योरिटी देते हो, तो सोचो इंडिया को कैसे सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पे तो सारे खड़े हो जाएंगे इंडिया के आगे।